नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं सिमरन सिंह और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 9 के जरिए। इसके अलावा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं तमाम माध्यमों से। और आपको बताते चलें कि ये आधे घंटे का हम कार्यक्रम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए। ये सत्र रहेगा साइंस का। और दर्शकों, आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 8800440559। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे कोई भी सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं आज के विषय से जुड़े हुए, आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सो फील फ्री टू राइट टू अस एट dth.class9@cit.nic.in। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मेहमान से। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं सुशील कुमार जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। सर पीजीटी बायोलॉजी हैं केंद्रीय विद्यालय से, एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल से। और दर्शकों, बिना विलंब करें चलिए इस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सीधा सर की ओर रुख करते हैं और जानते हैं कि आज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या सीखने वाले हैं। जी सर। यस, सो आज बच्चों जैसा कि आप और हम लोग अपने बचपन से ये जानते आए हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से बनके तैयार होता है, जिसे हम ये सेल्स कहते हैं। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। हम कह सकते हैं कि जैसे आप और हमारे घर में एक मकान को बनाने के समय आपने देखा होगा छोटी छोटी ब्रिक्स के द्वारा हमारा पूरा एक मकान तैयार होता है, ऐसे ही ये जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। सो कह सकते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों, ये सबसे पहले हमें और आपको इसके बारे में जो ज्ञान है, यह रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले कॉर्क की पतली काट के अवलोकन के द्वारा हमें और आपको बताया कि जो कॉर्क प्लांट के उन्होंने जब सेक्शन काटा तो देखा कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती थी जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत होती थी। आपने बच्चों देखा होगा, अगर कभी बचपन में आपके आसपास हनीकॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह की जो स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दी जो उन्होंने कॉर्क में देखा। कॉर्क बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि ये कॉर्क क्या है। कॉर्क एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कॉर्क वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। प्लांट का नाम क्यूर्कस ट्यूबर होता है और उसकी बार्क से, छाल से प्राप्त होता है। और 1665 में सबसे पहले हुक ने इसे अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। और उन्होंने सबसे पहले जो ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इनको उन्होंने सेल्स कहा। लैटिन में अगर हम देखें तो सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। बच्चों, ये आपको छोटी घटना जरूर प्रतीत होती होगी, अर्थहीन लग रही होगी, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग ऐसे एकक होते हैं, ऐसे चैम्बर्स होते हैं, और इनके आधार पर फिर बाद में हमारी जो विज्ञान है आगे बढ़ी और जो विज्ञान की जो शाखा है जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। आपके मन में ये बात जरूर बच्चों आ रही होगी कि ये माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता होगा जब आप अपनी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जाते होंगे, और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जब आप गए होंगे तब आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ऐसा आपको देखने को मिला होगा, एक ऐसा एपरेटस देखने को मिला होगा जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। हम इसकी तुलना मैग्नीफाइंग लेंस से कर सकते हैं, आवर्धक लेंस से कर सकते हैं। सेल की जो स्टडी करते हैं जो भी वैज्ञानिक, जो भी लोग,
उन्हें हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। साइटोलॉजिस्ट में सेल के अलग अलग प्रकार से वो देखते हैं, सेल के अलावा उसके डिवीजन की भी स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या सेल डिवाइड हो रही है कि नहीं। इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं तो एक जैसी दिखाई देती हैं। और तो और हम आपको एक एक्टिविटी भी सजेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला में जब जाइएगा और अपने शिक्षक से मिलिएगा तो आपके शिक्षक आपको माइक्रोस्कोप की सहायता से जो ऑनियन पील होती है जिसे हम प्याज की सल्क कहते हैं, तो प्याज में अर्थात ऑनियन पील में जब सेक्शन कट करने के बाद आप देखोगे तो आपको ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो हमने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाई ये आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा कि जब आप इसको सेक्शन को कट करिएगा तब आप डाई का प्रयोग करिएगा, एक डाई होती है जिसका नाम सेफ्रानिन होता है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही अद्भुत एक प्रकार का बायोलॉजिकल एपरेटस होता है और इसको आप जरूर चलाना सीखिएगा बायोलॉजी लैब में। और बहुत सारे छोटी छोटी स्ट्रक्चर जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से जब देख नहीं पाते हैं तब हम माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें कि सेल या फिर कुछ माइक्रोब भी देखने को मिलते हैं। कुल मिला के आपने जब ये अलग अलग माइक्रोस्कोप के हम आपको रूप दिखा रहे हैं, ये अलग अलग माइक्रोस्कोप आपको अपने प्रयोगशाला में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने एक माइक्रोस्कोप नाम सुना होगा बच्चों जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, यह मॉडर्न एपरेटस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर को भी अध्ययन कर लेते हैं, मतलब जो सेल से भी छोटी होती हैं सेल के अंदर जो पाई जाती हैं उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। दो प्रकार की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती हैं, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बच्चों स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे हम शॉर्ट में STM कहते हैं, और इसके द्वारा हम किसी भी स्पेसिमेन को जिसको हम देखना चाहते हैं उसका हम सरफेस व्यू देख सकते हैं। मतलब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अर्थात SEM के माध्यम से 3D स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। दूसरी जो माइक्रोस्कोप का रूप होता है जो बहुत ही अच्छा आवर्धन देता है, अच्छे माइक्रो मैग्निफिकेशन इसमें पावर होती, मैग्निफिकेशन पावर के आधार पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे शॉर्ट में TEM कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम को फोकस किया जाता है। और जब स्पेसिमेन की हमको इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी होती है तब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसके द्वारा हम सेल डिवीजन या सेल की हम लिविंग स्ट्रक्चर का जब अध्ययन करना होता है तब हम करते हैं। हम लोगों ने बच्चों जब शुरू किया था ये सेशन तब आपको बताया था ना कि हम ऑनियन पील का जब पत्ती सी झिल्ली निकाल के और सेफ्रानिन के द्वारा जब हम स्टेन करेंगे तो हमें अपनी माइक्रोस्कोप में इतनी सुंदर ये चैम्बर की छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जिन्हें हम सेल कहते हैं। और ये प्रत्येक सेल आप देख रहे होंगे एक प्रकार की बाउंड्री के द्वारा घिरी रहती है जिसे हम सेलवॉल कहते हैं, और प्रत्येक सेल में आप एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अंदर बहुत सारा सब्सटेंस भरा रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसके अलावा एक खाली स्थान भी होता है या कुछ द्रव भरी हुई एक प्रकार की पुटिका होती है, वैक्यूम जिसे हम कहते हैं। और प्लांट सेल में यह बड़ी होती है, एनिमल सेल में यह छोटी होती है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सभी जो जीव जंतु हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या एक समान होती है या अलग अलग होती है। अगर हम देखें इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, कोशिका स्तर को देखें, तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका शरीर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, अर्थात उनका शरीर यूनि माने एक, सेलुलर मतलब सेल एक ही कोशिका से बना होता है। जैसे कुछ उदाहरण आपने अपने जीवन में जाने होंगे, जैसे बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है जिसे हम अमीबा कहते हैं, और इसके अलावा क्लेमाटोमोनास, और आपने चप्पल की तरह स्लीपर एनिमल क्यूल पैरामीटियम को भी देखा होगा। ये वह ऑर्गेनिज्म होते हैं
जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, इनके सारे जीवन की गतिविधियां एक ही कोशिका में संचालित होती हैं। हम कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। सो सारे फंक्शन एक ही कोशिका के अंदर होते हैं। दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है, मतलब उन्हें हम मल्टी सेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय कोशिका वाले जीव कहते हैं, अर्थात उनमें अलग अलग कोशिकाओं का समूह है जिसे हम टिश्यू कहते हैं, जिनकी ओरिजिन फंक्शन एक होता है, उन्हें उनमें कार्य का बंटवारा होता है। और इस प्रकार जैसे हम और आप लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं, तो हमारे आपके शरीर में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। बच्चों कई बार आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाता है दो नंबर में या कभी कभी तीन नंबर में कि प्लीज राइट डाउन द फोर और थ्री पॉइंट्स व्हिच आर शोइंग दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो नाउ यू ऑल आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। सिंगल सेल एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर द डिवीजन ऑफ द लेबर और डिवीजन ऑफ द वर्क इज असाइंड टू द डिफरेंट सेल्स एज वेल एज ग्रुप ऑफ द सेल्स नोन एज टिश्यू और टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन गिव राइज टू द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। सो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे और हमने आपसे एग्जाम्पल भी साझा किए थे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के होते हैं। और जो हायर प्लांट हमारे आपके चारों तरफ दिखाई देते हैं, एनिमल्स और फंजाई, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। जी सर, सर जैसे जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स के बारे में हमने जाना, एक और टर्म है सेल से जुड़ी हुई, मीजोकैरियोटिक सेल्स, तो उसके बारे में भी आप हमारे बच्चों को बताएं कि मीजोकैरियोटिक सेल्स किन्हें कहते हैं। सिमरन जी, एक्चुअली हम लोग अगली स्लाइड में अभी बच्चों से डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। यह डिवीजन न्यूक्लियस के संरचना के आधार पर किया जाता है कि न्यूक्लियस किस प्रकार का बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल जो हम अभी अपने बच्चों को बताएंगे कि वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव स्तर का होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल, उनमें वो इस प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिनकी न्यूक्लियस के बाहर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन पाई जाती है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। दो कोशिकाओं के अलावा, जिस प्रोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक के अलावा, तीसरे प्रकार की भी एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम मीजोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के गुण रखती हैं। मीजोकैरियोटिक शब्द ही बता रहा है, मीजो मीन्स इन बिटवीन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अर्थात मीजोकैरियोटिक सेल्स शोज द इंटरमीडिएट रिजेम्बलेंस टू बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक सेल यूजुअली कंटेन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बट इट अंडरगोज सेल डिवीजन बाय ए माइटोसिस। हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और विभाजन की प्रक्रिया को हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन एक प्रकार का होता है ए माइटोसिस, जो कि मीजोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा आगे हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूजुअली जो सेल डिवीजन का प्रकार होता है वो माइटोसिस या मियोसिस के प्रकार का होता है। ऐसे ही बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि कोशिकाओं का आकार के आधार पर, हमने आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी कि ऑस्ट्रिच की जो अंडा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल होती है। आप कभी जाइएगा अपने आसपास, जू हो अगर या कोई भी यूनिवर्सिटी या हायर इंस्टीट्यूट हो जो जहां पर बीएससी एमएससी के बच्चे पढ़ते, तो हो सकता है आपको
कि ऑस्ट्रिच का एग उनके म्यूजियम में देखने को मिल सकता है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच आप सब लोग जानते हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है, और इसका एग हमारे आपके समझिए कि सिर के बराबर होता है, खोपड़ी के आकार का होता है। और उसकी तुलना करके हमने दिखाने की कोशिश की है कि चिकन के एग और ऑस्ट्रिच के एग में देखिए साइज में कितना अंतर है। इसके अलावा जो सबसे छोटी कोशिका होती है ये PPLO होती है, PPLO शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म करें तो प्लूरो निमोनिया, पी फॉर प्लूरो, पी फॉर निमोनिया, एल फॉर लाइक, ओ फॉर ऑर्गेनिन, PPLO ये माइकोप्लाज्मा भी कहे जाते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल जो कि पाई जाती है धरती पर। और अगर हम कहें कि लार्जेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, और लार्जेस्ट सेल जो पूरे यूनिवर्स में पाई जाती है वो ऑस्ट्रिच का अंडा। और अगर हम इंसान के अंदर बात करें कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है एनिमल में वो स्पर्म सेल होती है, उसे हम स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की भी बात करें तो वो हमारे न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होती है, जो कि जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास हो सकती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि जो जैसे हमने अभी आपसे बात की कि कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है, कोई कोशिका बहुत बड़े आकार की होती है, कोई बहुत छोटे आकार की होती है, ऐसे ही कोशिकाओं के शेप भी अलग अलग हो सकते हैं, साइज भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे स्मूथ मसल सेल स्पिंडल के आकार की होती हैं, ब्लड सेल्स आप देख रहे होंगे ओवल या बाइकॉनकेव भी हो सकती हैं, और नर्व सेल आप देख पा रहे होंगे इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी, ओवम राउंडेड शेप हो सकता है, बोन सेल इरेगुलर शेप की हो सकती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में एडिपोसाइट सेल जिनको हम फैट सेल कहते हैं उनका भी आकार आप देख पा रहे होंगे। तो इस स्लाइड से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कई आकारों की सेल पाई जाती हैं, हम एक प्रकार के निश्चित आकार की बात नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ें। तो अब और सर इससे पहले कि सत्र में आगे बढ़ें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे पास केवल 5 मिनट का समय शेष है, तो जो भी आपके सवाल हैं हमारे साथ आप ज़रूर दर्ज कराएं, और वो तमाम माध्यम आप सभी जानते हैं। जी सर। यस सो अब आपको बच्चों ये बात बिल्कुल पता चल गई होगी कि हमारे जो शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो फाइनली सेल से बने होते हैं, ये हमारे शरीर की यूनिट है। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर आप अगली स्लाइड में देख पाएंगे कि अगर हम सेल के देखें कि देखिए एटम, फिर इसके बाद किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद स्मॉल मॉलिक्यूल बने, फिर लिपिड बना, फिर प्रोटीन बना, फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो कि कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के, और इसके बाद आप बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से मिलता जुलता से क्लोरोप्लास्ट और इस प्रकार से जीवन की कल्पना में आप देख रहे होंगे, और फाइनली धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव जिसे हम ब्लू व्हेल कहते हैं वो भी आप देखे होंगे। पूरे प्लेनेट पर सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म डेट इज द ब्लू व्हेल, और लैंड एनिमल के रूप में अगर हम बात करें तो फिर हमको एलिफेंट की बात याद आती है। इसके अलावा दुनिया का जाइंट ट्री जिसको हम कैलिफोर्निया का रेडवुड ट्री कहते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से साइज में किस प्रकार से अंतर है कि छोटे से एटम से अल्टीमेटली हमारा बड़ी बड़ी जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स बनने में सहायता मिली। नेक्स्ट। तो आप अगली स्लाइड में, अब जैसा कि इस पे हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का बच्चों बहुत एक फेमस एग्जांपल बैक्टीरिया है, आपको अक्सर बनाने के लिए आता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसको न्यूक्लोइड कहते हैं और प्रोकैरियन भी कहते हैं, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। उसी तरफ यूकैरियोट का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर आप देख पा रहे होंगे अगली स्लाइड में, तो ये एक आपके सामने टिपिकल यूकैरियोटिक सेल बनाई गई है। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में आप देख पा रहे होंगे सेंटर में एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई नेटवर्क की तरह कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं। इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप डॉट डॉट की स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, और ऐसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं। इसके अलावा सेल में आप बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर और देख पा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, प्लास्टिड,
और इसके अलावा अलग अलग कोशिकाएं। तो ये अलग अलग जो कोशिकाओं में आप इन सब संरचनाओं को देख सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ये बैक्टीरिया की सेल है और ये एनिमल सेल। और प्लांट सेल में कई बार बच्चों आपसे अंतर पूछा जाता है, हम बताना चाहेंगे आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सेल वाल का होता है। प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, एक डेड स्ट्रक्चर होती है जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे स्लाइड में, और एनिमल सेल में सेल वाल अब्सेंट होती है। दोनों कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन प्लांट की कोशिका में एक और अंतर होता है, उसमें लार्ज एंड कंस्पिकुअस बिल्कुल स्पष्ट वैक्यूल पाई जाती है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, और ये कई बार सेंट्रली प्लेस्ड होती है, इसकी वजह से न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक हो जाता है, जबकि एनिमल कोशिका में वैक्यूल नहीं होती है या बहुत छोटी होती है। इसके अलावा अब यस सो ये अलग अलग अंतरों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि एनिमल सेल प्लांट सेल, इसके अलावा कुछ और अंतर हैं जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सर हमारे पास समय बहुत कम है, सो आई हैव टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंक्लूड योर वर्ड्स। यस सो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि हमारा आपका शरीर छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर से बना रहता है, और ये स्मॉल स्ट्रक्चर जिनको हम कोशिका कहते हैं, और कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था, जब उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में जब देखा और अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। इसके बाद लीवेनहुक ने सबसे पहले एक एडवांस माइक्रोस्कोप के द्वारा तालाब के जल में जो पॉन्ड वाटर था उनमें उन्होंने देखा कि स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज की, और ए पुरकिंजे ने बताया कि 1829 में कोशिका में तरल जैविक पदार्थ जो पाया जाता है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्मा अर्थात जीव द्रव्य का नाम दिया। इसके अलावा दो वैज्ञानिक की और बात की थी हमने, एम स्लाइडन तथा स्वान की, इन्होंने कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी दी, और उन्होंने बताया कि सभी पौधे तथा जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है जो भी धरती पर पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट, और ये जीवन की फंडामेंटल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, मूलभूत इकाई है। इसके अलावा विर्चो एक वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती अर्थात प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उत्पन्न होती हैं, बनती हैं, अर्थात ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सबसे लास्ट में हमने आपसे चर्चा की कि 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जो जटिल संरचना है उसको समझने में हमें बड़ी मदद मिली, और दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हमने आपको बताया बच्चों, एक SEM और दूसरी TEM, और इसके अलावा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को आप जान पाए होंगे, और दोनों में एक और कोशिका होती है जिसे हम मीजोकैरियोटिक, जिसमें कि दोनों के कुछ कुछ गुण होते हैं। बिल्कुल सर, सर अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही बड़ा मुझे लगता है ये चैप्टर है हमारे सभी दर्शकों के लिए, और इसे हम सेगमेंट्स में कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत जितने भी दर्शक आज हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हुए थे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि इस सत्र को यहीं विराम दें, एक विशेष जानकारी है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए NCERT की विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं। आप इन्हें खरीद सकते हैं NCERT के अलग अलग सेल्स काउंटर से, जो फिलहाल नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। दर्शकों इसके अतिरिक्त यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो वो भी संभव है वेबसाइट लिंक के जरिए, जो आपकी स्क्रीन पर लगातार हम अपने हर सत्र में फ्लैश करते हैं, और आप इन पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं PDF और सॉफ्ट कॉपी वर्जन में भी। उसके भी तमाम जरिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए NCERT की आधिकारिक वेबसाइट www.ncert.nic.in पर आप ज़रूर लॉगिन कीजिए। और आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं साइंस के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं मत जाइएगा, कुछ ही समय में हम फिर से हाजिर होंगे एक और सत्र लेकर। तो देखते रहिए विद्या चैनल्स। नमस्कार।